सड़कों की स्थिति दुरुस्त की जाए। दो साल बाद परिवार निकलेगा, बच्चे निकलेंगे, खुशी का माहौल रहेगा, तो उस खुशी के माहौल में आप अवरोध बनाए, सड़कों के गड्ढे भरे। आपको बात एक बताते हैं, आप जब रिंग रोड से जाओगे रातू तरफ, जब रिंग रोड से उतरोगे तो रूह कांप जाएगी। वहाँ चार चार फीट का गड्ढा है, कोई गाड़ी नहीं निकाल रहा है। 6 महीने पहले हमने फिर RCD को फ़ोन किया था, बोले सर एकदम, सुनील कुमार को, बोले एकदम मैं बनवा दे रहा हूँ पक्का। तो 2 दिन के बाद देखा कि गड्ढा भर दिया, कोई पक्का उक्का नहीं हुआ। हालात ये हैं कि आराम से उसमें आप डुबकी लगा सकते हो। जो सर्विस रोड होती है और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं, हो NH का नहीं है, NH ने अपना फ्लाईओवर बना दिया। जो सर्विस रोड है वो RCD को करना है, चाहे आप फ्लाई उस पर फ्लाईओवर चढ़ना हो चाहे उसे उतरना हो, दोनों ही जगह ये स्थिति है। तो दुर्गा पूजा के गांव से लोग आते हैं टेम्पू से, स्कूटर से, पता लगा बेचारा रात में आ रहा है वहीं गिर गया। तो ये आप सुनिश्चित करें कि मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो दायित्व था, हमने निभाया, चाहे वो रातू रोड में एलिवेटेड रोड का हो, चाहे रांची रेलवे स्टेशन का हो, चाहे नगड़ी के फ्लाईओवर का ROB का हो, चाहे आप पिस्का नगड़ी के स्टेशन का हो, सब जगह काम कर रहे हैं। और लगातार 2 साल से, फिर पिछले 6 महीने से हमने आउटर रिंग रोड के लिए बहुत प्रयास किया, जिसका परिणाम सामने है। आउटर रिंग रोड के लिए 16 अगस्त को सर्वे के लिए, पिछले 16 अगस्त को सर्वे का टेंडर खुल गया। गडकरी जी का बहुत आशीर्वाद इस राज्य पे है, पूरे देश पे है, इस राज्य पे भी है। आपने देखा होगा आप सबने कि गडकरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था कि आप प्लान बनाओ, जितना मेरे पास पैसे की कमी नहीं, प्लान भेजो। तो हम जब गडकरी जी से 2 महीने पहले मिलने गए तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि सर जो अभी वर्तमान रिंग रोड है वो तो अब शहर हो गया, शहर से ज़्यादा महंगी जमीन वहाँ हो गई, वहाँ तो बड़े बड़े घर बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं। हम अभी सांसद हैं, हम आगे के 25 साल का भविष्य देख रहे हैं कि आगे का 25 साल बाद, 20 साल बाद ये रिंग रोड अपर बाजार बन जाएगा, फिर कहाँ ढूंढेंगे फिर आगे नहीं। तो माननीय गडकरी जी ने तुरंत हमारे सामने आदेश किया था और इस रिंग रोड से आउटर रिंग रोड जो होगा 8 किलोमीटर की बात होगा, उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा, राज्य सरकार उसमें मदद कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जो होता है मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आउटर रिंग रोड शहर को मिलने जा रहा है। शहर 40 गांव के लोग डूबे हुए हैं, 183 मीटर से पानी नीचे रखना है। अरे आप तो रख लो ना, अभी तो बिजली उत्पादन कर नहीं रहे हो, तो 180 के नीचे रख लो, गांव तो नहीं डूबे। सबसे बात की कोई नहीं मान रहा है। पिछले 2.5 महीने से 40 गांव डूबे हुए हैं, इतने उतना पानी, कमर कमर तक पानी, उसी में रह रहे वो बेचारे, उसी में व्यापार कर रहे, सांप छुचुंदर निकल रहा है। तो वहां परेशान है लोग, मुख्यमंत्री जी को रास्ता निकालिए। सरकार अपने लोगों को डुबाने के लिए नहीं बनी है। गांव गरीब किसान छांडिल में और डैम के किनारे 116 गांव के लोग रहते हैं। आपके वहां माननीय विधायिका आपकी पार्टी की हैं, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विकास के काम में अवरोध भी नहीं करते, विकास के काम में आगे बढ़ के सहयोग भी करते हैं, लेकिन उन विस्थापितों को आप बचा लो। अभी तक तो भाई 1 मेगावाट बिजली या कुछ हुआ ही नहीं, टूरिज्म के लिए चिल्लाते रह गए। और सबसे बड़ा इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा संवेदनहीनता यह है कि किसी चिट्ठी का जवाब नहीं,
आज तक इन 3 सालों में सैकड़ों चिट्ठी जन समस्या को लेकर हमने लिखी, सैकड़ों चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को, आज तक किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया कि हाँ करना है नहीं करना है, चिट्ठी लिखो चिट्ठी नहीं लिखो, हम करेंगे हम नहीं करेंगे, कोई चिट्ठी जवाब नहीं आता है। लेकिन हम लोग भी जिद्दी आदमी चिट्ठी रोज लिखते हैं, चिट्ठी लिखो, वो चिट्ठी पढ़ी भी जाती है, अब लिफाफा खुलता है उसमें भी संदेह है कि नहीं साहब तो भाजपा के सांसद का चिट्ठी फेंक दो डस्टबिन में डाल दो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि राज्य में भाजपा सांसदों को सेकंड सिटीजन हो गए। आपको पता है कि आज से साल भर पहले एक नोटिफिकेशन आया कि भाई शिलान्यास उद्घाटन में सांसद का नाम नीचे रहेगा, माननीय विधायक मुख्य अतिथि होंगे और विधायक के नीचे सांसद उपस्थिति प्रोटोकॉल के। हमने तो चलो कोई हर्जा नहीं, हम तो भाई सांसद हैं, हम तो हमेशा अपने को संसेवक मानते हैं, कार्यकर्ता मानते हैं। लेकिन उस भाव को तो आप देखो, उपहार इस राज्य को दिया था कैंसर हॉस्पिटल, वो कैंसर हॉस्पिटल मतलब देश के गिने चुने कैंसर हॉस्पिटल में इतना बढ़िया है, मैं 4-5 बार विजिट करके आया, अभी 1 महीने पहले मैंने विजिट किया था वहाँ। जब मैं गया तो देखा सारा सिस्टम एकदम बढ़िया है, ऑपरेशन थिएटर चाहे वो कीमोथेरेपी या जो भी हो, सारे डॉक्टर्स देश भर से डॉक्टर यहाँ आ गए हैं, नर्सिंग स्टाफ आ गया है। 3 महीने पहले था, मैंने 6 महीने से बल्कि और पहले 8 महीने से पहले से वो अस्पताल बनके तैयार खड़ा है, अस्पताल तैयार है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। मैंने नर्सिंग स्टाफ से मीटिंग की, मैंने डॉक्टर से मीटिंग की, मैनेजमेंट से मीटिंग की, उन्होंने कहा कि सर एक पेपर कमी है और टाटा बहुत डिसिप्लिन्ड संस्था है, हमको अभी तक BMW नहीं मिला है, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट पॉल्यूशन बोर्ड से। हमने क्यों बोला, पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। हमने कही तो भाई पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन नहीं है तो सरकार चाहे तो कैबिनेट से पार्क भेज दे, कुछ भी डिप्यूट करे, मरीज क्यों सफर हो, इतना बड़ा उपहार राज्य को मिल रहा है। अभी कैंसर पेशेंट बेचारे मुंबई जा रहे हैं, कीमोथेरेपी कराना होता है तो जमशेदपुर जा रहे हैं, चाहे अच्छा यहाँ रहने से छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उड़ीसा बंगाल अगल बगल के प्रदेशों से लोग आएंगे कैंसर के मरीज, तो इतना संवेदनहीन कोई सरकार हो सकती है क्या, जहाँ जिस शहर के अंदर 9 महीने से कैंसर हॉस्पिटल बनके तैयार है लेकिन एक सर्टिफिकेट देना नहीं। अभी हमको जानकारी नहीं है कि पॉल्यूशन बोर्ड का कोई चेयरमैन बना है कि नहीं बना है, आप सबको जानकारी है क्या, पूजा का समय है, अभी 2-2 जगह बम बरामद हुए, पुलिस ने बहुत एक्टिव रोल लिया, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा किंतु बहुत संवेदनशील होना होगा हमको और हर गतिविधि पे हमको नजर रखना होगा, पर्याप्त मात्रा में CCTV कैमरास लगाने होंगे, पूजा पंडालों में CCTV कैमरा नेसेसरी होना चाहिए और सभी विभागों में चाहे पानी बिजली सड़क लॉ एंड ऑर्डर हर जगह एक एक नोडल अफसर बना दें जो जिसके फोन नंबर्स 24 आवर्स राउंड द क्लॉक खुला होना चाहिए। आप इसमें 2 अफसर 3 अफसर डिप्यूट करके रखें, जनता को किसी चीज़ की परेशानी है तो वो सूचना दे दे। ये नई तकनीक आपको अपनानी होगी, इस बार भारी भीड़ होने वाली है, 2 साल बाद दुर्गा पूजा लोग बहुत उससे मनाए तो इस बार ये व्यवस्था होनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।